नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम, मैं हूँ रिचा, डिवाइन विजन आड़ीचान पलब सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अपना ख्याल रख रहे हैं, स्वस्थ हैं और यू हैविंग अ गुड टाइम, गुड डे और इवनिंग व्हेन एवर यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आ गई हूँ एक वीडियो लेकर जिसका टॉपिक है कि हाउ विल बी योर नेक्स्ट डेट। ओके, अब ये फर्स्ट और नेक्स्ट डेट, यू नो, दोनों ही मैं कवर करने वाली हूँ। हाउ विल बी योर फर्स्ट एंड नेक्स्ट डेट। ओके, सो अब ये जो डेट का टॉपिक है, ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके क्रश हो सकते हैं, या आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके पोटेंशियल जिनको आपको लग रहा है कि आपके फ्यूचर पार्टनर हैं वो हो सकते हैं, एनीबडी ऑन योर माइंड, ठीक है, जिसके बारे में भी सोच के आप भी रीडिंग देख रहे हो, वो ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग एप्लीकेबल है फॉर सिंगल एंड अटैच्ड, ठीक है, सिंगल लोगों के लिए, इसलिए कि उनके मन में कोई पर्सन है जिनका उनका क्रश हो सकता है, तो उनके बारे में वो सोच के रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से, ठीक है। अटैच्ड लोग अगर आप मैरिड हो उनके साथ तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए, मैंने यहाँ पे आज 3 पाइल्स रखे हैं, ठीक है, एंड शुरू करते हैं रीडिंग। और मैं आपको पहले पाइल्स दिखा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड बिग बिग थैंक्स टू ऑल माय लवली फैंस, सब्सक्राइबर्स, फॉर योर लॉयल्टी, फॉर योर जेनरोसिटी, फॉर योर काइंडनेस। ओके, एंड आई हैव अ मैसेज कि जिन लोगों ने भी मुझे पे किया था, सबकी रीडिंग पूरी हो चुकी है एक्सेप्ट दो लोग, एक्सेप्ट 3 पीपल जिन्होंने मुझे, उनमें से 2 ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है इंस्टाग्राम पे, और उनकी रीडिंग मैंने जब कॉन्टैक्ट किया उसके विदिन 48 आवर्स प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ऋत्विक दास जी ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, या तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया है। जब मैंने चेक किया तो मुझे देखा कि कोई मैसेज नहीं था आपका, तो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सो मेनी मैसेजेस, तो सबके मैसेजेस चेक करना मुश्किल हो जाता है, एंड रिक्वेस्ट में जाते हैं आपके मैसेजेस स्पैम में, रिक्वेस्ट में, तो हो सकता है आपका मैसेज मिस हो गया हो मुझसे, तो आप एक बार फिर से मैसेज कर दीजिए ऋत्विक दास जी, क्योंकि आई लाइक टू डू व्हाट आई से, ओके, आई बिलीव इन डूइंग व्हाट आई से, ओके, एंड आई वैल्यू योर ट्रस्ट एंड फेथ इन मी, थैंक यू। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग। मैं आपको पहले पाइल्स दिखा देती हूँ। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई हैड टू मेक। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1। This is pile number 1, this golden nail paint. Okay. This is pile number 1, this golden nail paint. Okay. Golden nail paint is pile number 1. Okay. Just a moment, let me place it accordingly ताकि आप लोग देख पाएं. ओके, एंड दिस इज पाइल नंबर 2, दिस मॉव नेल पेंट, पर्पल नेल पेंट, मॉव शेड, ओके, पर्पल, ओके, या आई एम पुटिंग इट हियर सो यू गाइस कैन सी। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, and this is a lime neon green pile number 3, neon green pile number 3, okay, this is pile number 3, neon green or lime green, whatever you like to call it. Okay, so in this order, pile number 1, pile number 2, pile number 3, okay. So, starting from here, 1, 2, 3, okay? So, close your eyes, take a deep breath, and universe, gauze, khuda se kahiye, sahi pile ki taraf aapko le jayen, aapko direct karein.
we'll do om chanting till then, okay? So om namah shivaya, 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 om namah shivaya. Actually, let's get started, okay? ओके फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था एक गोल्डन नेल पेंट ओके गोल्डन नेल पेंट ओके चलिए देखते हैं व्हाट इज़ योर रीडिंग ओके हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे रीडिंग को ये फर्स्ट डेट एंड नेक्स्ट डेट ओके सो चलिए Okay, so I believe we have ample of space here. Okay, yeah, chaliye. All right, friends, pile number one. This is a general reading, so take what resonates with you and leave the rest, okay? Okay. So, first stage. काफ़ी कार्ड्स आ गए ओके सो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग ओके सो पाइल नंबर वन दिस गोल्डन नेल पेंट पॉसिबली मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है कि आपकी जो पर्सन है उनको आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव लगता है आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन लगते हो आप ऐसे पर्सन लगते हो जिसने काफ़ी मुश्किलें देखी हैं लाइफ में लेकिन यू हैव अ सनी साइड ऑफ स्पिरिट यू हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक ब्राइट वे ऑफ लुकिंग एट सिचुएशंस और हार्डशिप्स इवन ओके तो जो मुश्किलात भी आपने देखी है लाइफ में उसके बावजूद आपका काफ़ी टर्बुलेंस देखी है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू उसके बाद भी आपके मन में जो प्यार है जो होप है जो पॉजिटिविटी है जो ममता है वो गई नहीं है वो अभी भी अलाइव है ओके सो या ठीक है फ्रेंड्स सो चलिए अब देखते हैं आपकी फर्स्ट डेट जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ कैसी रहेगी ओके सो आर यू एक्साइटेड आई एम वेरी एक्साइटेड ओके चलिए फ्रेंड्स आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं ओके यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी एंड चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर टेस्टिमोनियल्स मैं पोस्ट करती ही रहती हूँ कम्युनिटी पेज कम्युनिटी सेक्शन में एंड सो ऑल राइट चलिए सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव फॉर द फर्स्ट डेट यू गोइंग टू हैव विद अ पर्सन पहली डेट आपकी कैसी रहेगी जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच के रीडिंग देख रहे हो उनके साथ सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज टीच टीच ओके जस्ट अ मोमेंट ओके फ्रेंड्स चलिए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सेकेंड कार्ड जो आया है हमारे पास वो है नर्चर which I take it as the Empress card by the way I don't know I take it as Empress I get very Empress vibes from this card you know yeah okay so then I have base chakra opportunity beckons release I'll tell you why this card is here, so just relax. Release. Blossom. So
सक्सेस एंड ग्रोथ, सक्सेस एंड ग्रोथ। ओके, सो राइट ऑफ द बैट मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कि आप में से आप दोनों में कोई एज डिफरेंस या रिलीजन कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या आई एम ऑल्सो पिकिंग अप, आई डोंट नो वाई ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है, बट आई एम पिकिंग अप कि लॉन्ग डिस्टेंस कोई ये कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के, नॉट फॉर एवरीवन। अनदर मैसेज आई एम पिकिंग अप इज कि कोई एक है यहाँ पे जिनको अपने लुक्स को लेके, पर्सनालिटी को लेके थोड़ा, मतलब लाइक किसी ना किसी बात को लेके वो कॉन्शियस हैं, ठीक है, किसी ना किसी बात को लेके वो कॉन्शियस हैं कि, या तो इस बात को लेके कॉन्शियस हैं कि जिस पर्सन से आप पहली बार मिलने वाले हैं वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्या इम्प्रेशन पड़ेगा उनका आपके, आपका उनके ऊपर, ठीक है, what kind of impression will you leave on them, yeah, और मुझे मैसेज आ रहा है कि फालतू में चिंता कर रहे हो, ठीक है, you're going to leave a very good impression on your person, just a moment. Okay friends, so like I was telling you कि आप बहुत कॉन्शियस हो रहे हो किसी ना किसी चीज़ को लेके, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पास में कोई रिलेशनशिप आपका टूटा है, ठीक है, आप एक पास से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पास को भुलाने की, उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और तब ये पर्सन आपकी लाइफ में इन्होंने एंट्री की है, ठीक है, ओके, मुझे एक चैनल मैसेज आया कि उसमें से एक पर्सन जो है उसका एक उसकी वो मैरिड रह चुके हैं या रह चुकी हैं, और दूसरा जो है वो नेवर मैरिड है, ठीक है, जिससे चैनल मैसेज, ठीक है, तो ओके, सो मुझे मैसेज आ रहा है कि फ्रेंड्स आप रिलीज़ करना चाह रहे हो किसी पर्सन को अपने पास से, ठीक है, और उनको लेट गो करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, और मुझे भी पिकअप हो रहा है कि कुछ लोगों को बहुत एंजाइटी भी होती है पर्सन को रिलीज़ करने में या लेट गो करने में, हाँ, और ये पर्सन जो है आपको हीलिंग, आपकी हीलिंग के लिए आए हैं आपके लाइफ में, आप नर्चर करो, ब्लॉसम करो, फ्लरिश करो, आप आगे ग्रो करो लाइफ में, आप खुश रहना सीखो, यू नो, इसलिए आए हैं पर्सन आपकी लाइफ में, तो दे गोइंग टू टीच यू हैप्पीनेस, हाउ टू बी हैप्पी वंस अगेन, दे गोइंग टू टीच यू you know how to shine once again, okay, so अपना आपका जो wisdom है उसको कैसे आपने use करना है to shine या to be happy once again without that person, क्योंकि friends ऐसा होता है कि some people are there for a reason and some are there for a season, okay, so and those who are there for like let's just say you know forever, they stay in your life no matter what, okay, तो मुझे मैसेज आ रहा है कि आपकी फर्स्ट डेट जो है इस पर्सन के साथ अच्छी रहने वाली है, आपको काफ़ी कुछ नया करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा इस पर्सन से या इस पर्सन को आपसे, दोनों तरफ से मुझे दिख रहा है, और मुझे भी मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को आप दोनों ही, मुझे ऑपोजिट यू नो लग, जो आमने सामने बैठोगे आप लोग, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि जब आप लोग आमने सामने आओगे आप दोनों को आपके लुक्स, पर्सनालिटी और यू नो सबसे बेहतरीन बात यह है कि ना सिर्फ लुक्स और पर्सनालिटी बल्कि नेचर भी आपको पसंद आ रही है अपने पर्सन की, ओके,
ओके मुझे मैसेज आया, किसी ने कहा है कि तुमसे मिलकर तुम अपने फ़ोटो से या जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे लगे मुझे तुम। ठीक है, ये किसी ने कहा है आपके बारे में या कहेंगे आपके बारे में। ठीक है, और क्यों अगर आपकी फर्स्ट डेट नहीं हुई है इनके साथ में तो हो चुकी है तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जस्ट टू रेफर। ओके, मुझे लगता है कोई देख भी रहा है शायद रेफ़र करने के लिए अपनी पास फर्स्ट डेट का। ठीक है, तो आप लोग अपने गोल्स के बारे में बात करेंगे, अपने प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप कुछ सिमिलर कुछ सिमिलैरिटी है आपके प्रोफेशंस में, या आप लोगों की हॉबीज़ में या प्रोफेशन में कोई किसी एक चीज़ में कोई सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेंगे और लाइफ के एक प्रॉस्परस चैप्टर को ओपन करने में मदद करेंगे। ठीक है, और मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं क्योंकि आपका रूट चक्रा ओपन हो रहा है। ओके, और आपका मुझे कुछ लोगों के लिए भी पिकअप हो रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन से मिलके। ओके, और मुझे मैसेज आ रहा है कि यू विल बी गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ मोर ग्रोथ इन योर करियर इन योर लाइफ। ओके, सो मुझे मैसेज आ रहा है एंड आप एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ का, कम से कम आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप ऐसा करें। ओके, नंबर्स बता देती हूँ और अल्फाबेट्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। डी एन जी एस बी आर सी ओ एस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एच और टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एन भी है यहाँ पे, बी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं वो है नंबर 13 और नंबर 4, नंबर 20 और नंबर 2, नंबर 8। ओके, मुझे नंबर 7 भी पिकअप हो रहा है, डोंट नो व्हाई। ओके, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5। ओके, सो ये नंबर्स हैं अल्फाबेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट डेट इस पर्सन के साथ, सेम ये पर्सन जिनके साथ आपकी फर्स्ट डेट हुई है, ये कैसी रहेगी आपकी नेक्स्ट डेट इनके साथ। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज हीलिंग बिगिंस। Healing begins. Listen. मैं नहीं कह रही, कार्ड कह रहा, listen. Win or lose. Spread your wings. Okay. Heal. Heal. Okay. Heart chakra. Heart chakra. Refusing to see. Refusing to see. Clarity of belief. Clarity of belief. Awaiting results, awaiting results. Love abounds. Let me adjust my cards. Okay.
trust. Trust. Just breathe. And crown chakra. Okay, so little intense energies मुझे already feel हो रही थी जब मैं cards मेरे हाथ में आए तो मुझे बहुत heavy energies, intense energies feel हुई हैं. I'm suddenly feeling really drained and heavy around my heart chakra and crown chakra. और दोनों के ही cards आए हैं, crown chakra and heart chakra. Excuse me friends. Yeah, so I needed some time to center myself, though this is not enough. Okay, what I can pick up on is that some of you are really waiting for this next meeting. मुझे pick up हो रहा है कि काफ़ी लोग बहुत, मतलब like वो song है ना कि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, from the movie सिर्फ तो, मतलब आप लोग बहुत you're waiting with bated breath for this meeting, okay, for this date, okay. मुझे स्पिरिट कह रही है कि आप तरस गए हो इस पर्सन को देखने के लिए, उनको, इनकी शक्ल देखने के लिए, इनको मिलने के लिए, इनका, इनको महसूस करने के लिए आप तरस गए हो, ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे. और कुछ लोगों को तो लग रहा है कि बहुत थॉट्स आते हैं तो इतने नेगेटिव थॉट्स तक आ जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट में लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, या लेस कांटेक्ट है, ठीक है, या आप इनिशिएट करते हो तो होता है, ठीक है. ओनली फॉर 30-40% मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट नॉर्मल चल रहा है आपका, 40% लोगों के लिए, ठीक है. ओके, सो बहुत टेंशन में आप हो, मतलब यहाँ तक आपको लग रहा है कि पता नहीं मीटिंग हमारी, मुलाकात होगी नहीं होगी, डेट होगी नहीं होगी, वो मैं उसे दोबारा मिलूँगा या मिलूँगी नहीं मिलूँगी, क्या मैं उसे दोबारा देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी, क्या वो हमेशा के लिए जा चुकी है या जा चुका है मेरी लाइफ से. वो पर्सन अभी आपको कुछ लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है, मुझे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये पर्सन अभी आपकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे, ना इस कनेक्शन की तरफ ना आपकी तरफ, ये देखना ही नहीं चाह रहे. आप चाह रहे हो कि वो आपकी बात सुने, एटलीस्ट सुने, आप चाह रहे हो कि वो आपकी बात सुने तो सही, कम से कम सुने तो सही आप क्या कहना चाह रहे हो, आपका दर्द, आपका दुख, आपकी बात, आपके जज्बात सुने तो सही, पर वो देखना ही नहीं चाह रहे. इस पर्सन ने ना ही देखना चाह रहे ना ही सुनना चाह रहे. अपने हार्ट चक्र और क्राउन चक्र को हील करो फ्रेंड्स, इम्प्रूवमेंट आ सकती है आपके कनेक्शन में इसकी वजह से, ठीक है. यू विल फाइंड ASMR हार्ट चक्र हीलिंग चक्र वीडियोस मेडिटेशंस ऑन YouTube फॉर फ्री, ओके. सो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि यू नो मुलाकात तो होगी, ठीक है, मीटिंग आपकी होगी इस पर्सन से, ओके. मैं थोड़ी रेस्टलेस हो रही हूँ अभी एंड तो बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा है मुझे सडनली, ऑल ऑफ अ सडन. एंड तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप भी काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हो, और कुछ एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से आ रही है कि वो भी काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हैं, सोचते हैं आपसे मिलने के बारे में, प्यार बहुत है आपसे, मोहब्बत बहुत है आपसे, स्पिरिट कह रहे हैं आपसे ही है. मुझे चैनल सॉन्ग आ रहा है तुम से ही, फ्रॉम द मूवी जॉब वी मेट, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी ना किसी तरीके से, ओके.
तो वो ट्रस्ट बहुत करते हैं आपके ऊपर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऑपोजिट मैसेज आ रहा है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। ये एक मीटिंग, एक डेट आप दोनों के कनेक्शन को हील करेगी। जल्दी बताती हूँ क्योंकि मैं बहुत रेस्टलेस सी हो रही हूँ अभी ना, बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है मुझे अभी। जस्ट अ मोमेंट, या ओके। तो दो हीलिंग के कार्ड आ चुके हैं, तो इस पर्सन के मिलने से आप भी हील होगे, आपकी मिलने से ये पर्सन हील होंगे, ये कनेक्शन हील होगा, नई शुरुआत होगी। शुरुआत में थोड़े असमंजस में लग रहे हो आप लोग, यू नो कि जैसे मरसार में अटके हुए हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे क्लैरिटी चाहिए, बहुत सारे सवाल होंगे मन में कि मैं मुझे बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि मतलब अपने बातों को इस तरह से सामने रखिएगा कि वो पर्सन को समझ में आए, मतलब यू नो, और वो जो पर्सन है क्या आप कहना चाह रहे हो उसको सही से इंटरप्रेट मतलब आप करना, ठीक है। अब किसी को समझ में आए ना आए उसका ठेका हमने तो नहीं ले रखा ना, तो लेकिन हम अपनी बात को इस तरह से सामने रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप जानते हो उस पर्सन को अच्छे से तो आपको पता होगा कि कौन सी बात उनको ट्रिगर कर सकती है, कौन सी बात उनको अच्छे से समझ में आएगी और कौन सी बात से पुट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी बात सामने रखना, ठीक है। और इवेंचुअली आई फील थिंग्स विल बी फाइन, बट आप फिर भी मिलने के बाद भी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, पता नहीं उसको कैसा लगा मुझसे मिलके, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी या क्या सोच रहा होगा, यू नो हो सकता है आप रीडिंग भी लो इस बारे में कि मैं उससे मिली हूँ या मिला हूँ तो क्या सोच रहे हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे सा दिख रहा है कि हग कर सकते हैं आपको, आप लोगों के बीच में हग हो सकता है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन विल एम्ब्रेस यू, वेलकम यू इन देयर लाइफ, ठीक है। और एक रिलेशनशिप की शुरुआत होते हुए दिख रही है, न्यू बिगनिंग की शुरुआत होते हुए दिख रही है, क्लैरिटी दिख रही है। हो सकता है कि थोड़ा शुरुआत में थोड़ा हीटेड डिस्कशन भी हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली लव विल प्रिवेल, हार्मनी विल प्रिवेल, ओके। तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इवेंचुअली रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होते हुए दिख रही है। अगर आप नहीं हो उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो रिवाइवल हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा, यू नो लाइक रीयूनियन हो जाएगा आपका। और रीयूनियन की सिचुएशन नहीं है तो नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट का आपको मिल सकता है इनसे, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस कमिटमेंट बिकॉज अभी हीलिंग आपके हार्ट चक्र और क्राउन चक्र की बाकी है। ओके सो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगी रीडिंग जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू। फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये मॉव कलर का नेल पेंट, यानी कि पर्पल कलर का नेल पेंट, ओके ओके। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग विद द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके तो चलिए देख लेते हैं। मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आपको अपने क्राउन चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई यहाँ पे बहुत रोमांटिक है आपके पर्सन, या आप कोई यहाँ पे जो मेल है वो बहुत मेट्रोसेक्सुअल है, यू नो लाइक अपना पैम्पर करना, ध्यान रखना, अप टू डेट रहना, अपडेटेड रहना, यू नो ट्रेंड्स के साथ फैशनेबल हैं, ओके। और क्लासी एंड एलिगेंट, ये वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं,
या पर्पल किसी का फेवरेट कलर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके सो चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट मीटिंग उस पर्सन के साथ आपकी कैसी रहेगी, फर्स्ट डेट. सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज द डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि फर्स्ट मीटिंग जो है यू नो जो मेल हैं वो बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं फेमिनिन से, ठीक है, और जो फेमिनिन हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगने वाली हैं, ठीक है. एंड मुझे भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि यू नो शुरुआत में आप थोड़ा यू नो टाइम लो ओपन अप होने के लिए, ठीक है. ओके सो लेकिन जो मेल है वो बहुत लाइक वेलकमिंग, एम्ब्रेसिंग, एक्स्ट्रोवर्ट और लिटिल मिस्चीवियस, ठीक है, थोड़ा नॉटी लाइक ऐसे मुझे दिख रहे हैं. और आपको डांस के लिए पूछ सकते हैं, थोड़ा आप लोगों के बीच में पैशनेट मोमेंट्स, इंटिमेसी भी हो सकती है. इट्स वेरी स्ट्रेंज बट फर्स्ट मीटिंग में. लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, यहाँ क्लियर कर देना, ठीक है. अगर ऐसा नहीं होगा तो कम से कम उस पर्सन की इंटेंशंस तो होंगी कि ऐसा हो. आपके मिलने के बाद हो सकता है आप रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप वगैरह में कहीं मिलो, उस वहाँ से वो आपको कहें कि चलने के लिए ओके टू हैव सम पैशन विद यू. जस्ट आई एम सॉरी बट ये मैसेज मुझे आया तो आई एम इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू, ताकि आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू, ताकि आप बेवेयर रहें, ठीक है. ओके सो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ये पर्सन आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड होने वाले हैं, बहुत टेम्पटेशन होने वाली है, बहुत यू नो लाइक पैशन, लस्ट, ऑब्सेशन की हद तक ये पर्सन को आप पसंद आओगे, ठीक है. और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है किसी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और वो पर्सन को बाहर ने से फिर भेज दिया है, या कहीं वो पर्सन कुछ चले गए हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. और मुझे मैसेज आ रहा है कि यू नो बहुत ही एक तरफ तो उनको आपकी दो साइड देखने को मिलेंगी, जो वो ये है कि एक तरफ आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, दूसरी तरफ काफ़ी डोमिनेटिंग से हो जाते हो, या ब्लंट हो जाते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड काफ़ी, एक तरफ इमोशंस को होल्ड बैक करते रहो, दूसरी तरफ ब्लंट हो. तो थोड़ा ये दोनों साइड जिस पर्सन की आपको देखने को मिलेंगे, या आपकी आपकी ये साइड दोनों पर्सन को देखने को मिलेंगी. टेक इट हाउट रेजनेंस, ठीक है. सो जोडिक साइंस बता रही हूँ कौन से इंपॉर्टेंट हैं. कैप्रिकॉर्न और लीब्रा बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे. ओके और बाकी जेमिनी और एक्वेरियस एंड टॉरस एंड वर्गो, ठीक है. तो ये साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ठीक है. सो नंबर्स बता देती हूँ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं. नंबर 5, नंबर 3, नंबर 12 एंड नंबर 15. ओके एंड अल्फाबेट्स बता रही हूँ कौन से इम्पॉर्टेंट हैं. डी एल पी टी ई एस क्यू डी, मैंने बोल दिया ना, टी भी है. ओके एम, ओके एम एंड एन. ओके सो चलिए ये थी आपकी फर्स्ट मीटिंग और कुछ डिटेल्स. अब देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ. ओके चलिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वांड्स,
पता नहीं क्यों मुझे विजन आ रहा है कि कोई ड्रिंक स्पिल कर दिया आपने, गिरा दिया कोई, यू नो, कहीं पे किसी चीज़ पे, और कोई गैजेट दिख रहा है, गैजेट पे किसी चीज़ पे कोई ड्रिंक स्पिल कर दिया, गिरा दिया. टू ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स. ओके, सो फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू व्हाट रीडिंग हैज टू टेल यू. ओके, व्हाट रीडिंग हैज टू से. देखो, अगर आपकी फर्स्ट मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग में कुछ टाइम का फासला दिख रहा है मुझे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स का फासला है, कुछ लोगों के लिए 4 to 10 मंथ्स का फासला है, कुछ लोगों के लिए 2 साल का फासला हो चुका है, या कुछ अरसे का फासला तो है. ओके, और मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन अगर आउट ऑफ द कंट्री चले गए हैं, तो हो सकता है आपसे आउट ऑफ द कंट्री से आकर मिलेंगे. कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट अगर है इस पर्सन के साथ में, तो ये सोच रहे हैं कि आकर आपसे मिलें तभी बात करें. ओके, दूसरा मुझे दिख रहा है कि बहुत यू डोंट हैव टू चेज द पर्सन, यू डोंट नीड टू बी क्लिंगी, यू डोंट नीड टू बी नीडी, यू डोंट नीड टू शो दैट हाउ अटैच्ड यू आर इमोशनली टू दिस पर्सन, बिकॉज इट्स गोइंग टू ड्राइव देम अवे. ओके, इट्स गोइंग टू पुल देम अवे, पुश देम अवे. ओके, so you don't have to do that, make sure you're not doing that. Okay, if you want to keep this person glued to you, hooked to you, okay, I mean like, you know, with you in this connection. Okay, so I'm getting this person will mention that they are burdened with some responsibilities. Okay, ये पर्सन बताएंगे कि उनके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बर्डन्स के बारे में आपसे बात करेंगे, किस बात, कौन सी बात उनको परेशान कर रही है उसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन एकदम से नहीं, पहले आपको कुछ क्लैरिटी, क्लोजर आप चाह रहे हो तो वो आपको देंगे, ठीक है. और अट्रैक्शन, पैशन फिर से मुझे दिख रहा है, आपसे मिलने आ सकते हैं पर्सन दूर किसी स्टेट, सिटी, कंट्री से. ओके, और ऐसा मुझे दिख रहा है, या आप लोग साथ में ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो, या आपको कह सकने क्या तुम मेरे साथ चलो, ये भी मैसेज मुझे सिर्फ कुछ लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है. और मुझे मैसेज आ रहा है कि पहले तो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश करेंगे, लेकिन आपको देखते ही खुश हो जाएंगे, आपको देखते उनके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, उनकी आँखों में प्यार भर आएगा आपके लिए, अट्रैक्शन भर आएगी, दे विल चेक यू आउट. Okay, and they will be like, whoa, you know. And कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को आप में बहुत बदलाव सा दिखने वाला है, पता नहीं कैसे, लेकिन पर्सनैलिटी में, लुक्स में कुछ, ठीक है. और उनको लगेगा कि आप थोड़े लॉस से लग रहे हो, या यू नो, थोड़ा बदले हुए लग रहे हो आप, ठीक है, लास्ट टाइम जब मिले थे उससे थोड़ा, ठीक है, या कुछ इमोशनल या फिजिकल चेंज आप में आया है. ओके, ओके, तो वो नोटिस करेंगे. ओके, एंड दूसरा, काफ़ी पुरानी यादों के बारे में आप लोगों की बातचीत होगी, लव विल प्रिवेल. ओके, एंड न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, रोमांटिक बिगनिंग होते हुए दिख रही है, रिलेशनशिप में फ्यूचर की बातें करते हुए दिख रहे हो, ठीक है. सो अच्छी रहेगी आपकी मुलाकात, ठीक है. ओके, और ऑलराइट, so this is your reading pile number 2. I hope you liked it, so don't forget to like, share and subscribe. So for those of you who selected this pile number 3, this green lime green nail paint, okay, so chaliye, let's see jis person ke bare mein soch ke aap reading dekh rahe ho unke sath aapki first or next date kaisi rahegi. Aur maine is reading ko 2 parts mein divide kiya hai to avoid the confusion, for clarity, okay, to make it better.
ओके सो फ्रेंड्स चलिए लेट्स सी द कार्स आर रेडी. तो दोस्तों फिर हम सेलेक्टेड द स्लाइम ग्रीन नेल पेंट. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बहुत फनी मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे किसी को सिट्रस फ्रूट्स बहुत पसंद हैं. फ्रूट्स बहुत पसंद हैं सिट्रस फ्रूट्स यानी कि यू नो मौसम्बी लेमन सॉरी मौसम्बी ऑरेंज इनके जूस हो सकता है या आपको सिट्रस फ्रूट्स बहुत पसंद हैं और टैंगी सम अमेरिन टैंगी फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल आपको पसंद है या पाइनएप्पल चंक्स पाइनएप्पल जूस और समथिंग लाइक दैट पाइनएप्पल. ओके ओके ऑल्सो आई एम गेटिंग नेचर लवर हो आप या आपके पर्सन. ओके आपको ब्राइट कलर्स या आपके पर्सन को ब्राइट कलर्स पहनना बहुत अच्छा लगता है. शोक अदाएँ हैं यहाँ पे कि फेमिनिन की ऐसा मैसेज स्पिरिट दे रहे हैं मुझे. ठीक है चलिए सो आपके पर्सन की तरफ से ऑफकोर्स. ठीक है चलिए अब देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में सोच के आप रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपकी फर्स्ट डेट कैसी रहेगी. ओके चलिए तो द फर्स्ट कार्ड आई हैव वाओ राइट ऑफ द बैट इज फर्म फाउंडेशंस एक्सेलरेटेड मोशन सॉलिट्यूड. ओके I'll tell you what it means, don't worry. Leave all the worries on me. Spiritual strengths and solar plexus chakra. Okay. So, the message I'm getting over here is okay. देखिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि यू गाइस कुड स्पेंड टाइम अलोन टाइम विद दिस पर्सन. यू कुड स्पेंड सम टाइम अलोन विद दिस पर्सन एज इन आई एम ऑल्सो गेटिंग अ विजन ऑफ यू वॉकिंग. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ विजन ऑफ यू मीटिंग अलोंग साइड द बीच एंड वॉकिंग बेफुट अराउंड द वेव्स. ओके लीविंग योर फुटप्रिंट्स बिहाइंड. ओके सो ब्यूटिफुल विजन आई गॉट. ओके So, okay, I'm getting a vision of candles or candlelight dinner. Or some of you are having a brunch or a lunch with some greenery nature or some open air space. Or you can just have a look at the view of the city from your restaurant or coffee shop or something, cafe or something. Okay, so that's the message I'm getting. Okay. उसके अलावा देखो भाई ऐसा है कि आपके पर्सन को आप पसंद तो आओगे. ठीक है बहुत तीनों फाइल्स में मुझे ऐसा मैसेज आया है कि जो पर्सन आप पसंद आने वाले हो आपके पर्सन को. ठीक है तीनों फाइल्स में ये चीज़ कॉमन है. तो आप अलग अलग लोगों के लिए भी फाइल्स देख सकते हो. ठीक है और ठीक है तो मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को पसंद आओगे लेकिन आपकी लुक से ज़्यादा उनको आपकी स्पिरिचुअल आपकी स्पिरिचुअलिटी आपका विजडम आपकी नेचर आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बहुत आपका हेजिटेट करना झिझकना उनको अच्छा लगेगा. ठीक है ये पर्सन आपसे राइट ऑफ द बैट कुछ मीटिंग्स के बाद हो सकता है कि तीन चार मुलाकातों के अंदर चौथी मुलाकात में आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दें ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. या जब आपसे मिलेंगे उसके एक महीने के अंदर या चार महीने के अंदर ही आपको प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए. ठीक है ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. या स्टेबल ऑफर आपको देते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन. ठीक है ओके सो कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अभी से चार महीने के अंदर आपको ये पर्सन कमिटमेंट का ऑफर दे देंगे जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो. ठीक है कोई ना कोई कमिटमेंट का ऑफर आपको विद इन फोर मंथ्स फ्रॉम नाउ मिल रहा है पाइल थ्री. ओके सो ऐसा मैसेज मुझे आया. ओके और ये पर्सन को लगेगा कि आप यूर लाइक हो सकते हैं यहाँ पे कोई स्टार सीड हो. ओके आई जस्ट कर अ चैनल मैसेज. ठीक है और हो सकता है यहाँ पे आपकी लोनर वाइब हो या यू नो आपको अपने इंट्रोवर्टेड हो थोड़े से आपको अपने में रहना पसंद है. यू नो आई वोंट से रिक्लूज बट काइंड ऑफ. ओके एंड इंडिगो चाइल्ड हो यहाँ पे कोई हो सकता है एम्पैथ यहाँ पे कोई हो सकता है
ठीक है, और मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको इस पर्सन के लुक्स फिजीक बहुत पसंद आने वाला है, और यू नो आपको इस पर्सन का लगेगा कि भाई क्या फिजीक है, ओके ओके, द गाय इज गोइंग टू हैव वेरी इम्प्रेसिव फिजीक ओवर हियर, वेरी इम्प्रेसिव लुक्स, ओके, एंड इट्स नॉट दैट द फेमिनिन विल नॉट, द फेमिनिन इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव एज वेल, बट द फेमिनिन इज गोइंग टू गेट रियली अट्रैक्टेड टू द गाय, ओके, सो दैट्स अ मैसेज आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली, और ये ऐसा मैसेज इसी पाइल में आया है, ठीक है, सो ओके पे अटेंशन टू दिस, ओके, सो स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही हैं आप लोगों के बीच में, यू सिपिंग कोई यहाँ पे वॉटरमेलन मोहितो सिप कर रहा है, या कुछ रेड रेडिश कुछ पिंक पीचिश सी ड्रिंक मुझे दिख रही है जो आप, और अ ब्लू ड्रिंक समथिंग, यू आर मे बी ब्लू लगून, आई डोंट नो व्हाट, लाइक यू आर सिपिंग सम मोहितो सम ड्रिंक और समथिंग मॉकटेल और समथिंग, ओके ओके, एंड मुझे भी मैसेज आ रहा है कि जो फेमिनिन बातों में फेमिनिन से जो मैस्कुलिन है उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि द फेमिनिन वाज लेफ्ट स्पीचलेस, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा उन्होंने बोला मैस्कुलिन ने द गाय, उसने कुछ ऐसा बोला कि इट्स जो समथिंग सीरियस समथिंग वेरी नाइस, एंड द फेमिनिन वाज लाइक नॉट एक्सपेक्टिंग इट, ठीक है, कि ऐसा कुछ बोलेंगे ऑन अ पॉजिटिव नोट, ओके, तो हो सकता है यहाँ पे आप लोग कुछ लोग बुक्स का शौक़ रखते हो, रीडिंग का शौक़ रखते हो, लिटरेचर का शौक़ रखते हो, या हिस्ट्री का शौक़ रखते हो, उसके बारे में कुछ बातचीत आपकी हो सकती है, या स्पिरिचुअल बुक्स का आपको शौक़ हो पढ़ने का, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन उनकी बातें हो सकती हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप टैरो रीडर हैं या आपके पर्सन टैरो रीडर हैं तो यू नो उस बारे में बातचीत आपकी हो सकती है, डिविनेशन टूल्स को एक्सप्लोर करने के बारे में आपकी बातचीत हो सकती है, ठीक है, सो दैट्स अ मैसेज आई एम गेटिंग, ओके, और अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुलाकात कैसे होगी, बहुत बड़ा एक पहाड़ तोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये होगी, ठीक है, ओके, सो जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए विद इन 8 weeks, कुछ लोगों के लिए विद इन 4 months फ्रॉम नाउ, विद एनी टाइम इन 4 months, 4 weeks to 4 months ये मुलाकात हो सकती है, ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट मीटअप, ओके, अब देखते हैं आपकी लास्ट मीटिंग कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ, जस्ट अ मोमेंट, या फ्रेंड्स चलिए लेट्स डीप इंटू योर नेक्स्ट मीटअप, ओके, बार बार मेरे मुंह से सेकंड मीटअप निकल रहा है, तो पता नहीं क्यों, हो सकता है किसी की दूसरी मुलाकात हुई है, ठीक है, या कोई दूसरा चांस आप दे रहे हो इस पर्सन को, ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, चलिए देख लेते हैं, सफरिंग इन साइलेंस, ओके, भाग मत जाना ही देख के, रुको एक सेकेंड, Rejoice in celebration, देखो मैंने कहा था ना, the waiting game, material and spiritual prosperity, shadow and third eye chakra, okay. सो मुझे मैसेज आ रहा है राइट ऑफ द बैट कि बहुत वेट किया है इस मुलाकात का, बहुत वेट कर रहे हो, ये भी लग रहा है आपको बहुत सफ़र किया है इमोशनली इस कनेक्शन की वजह से, आपने इस पर्सन की वजह से, ठीक है, आपकी थर्ड आई चक्र आपको एक्टिवेट कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, मेडिटेशन करो, जवाब मिलेंगे, ठीक है, आपको इस तरह के ख्याल आते रहते हैं, या तो कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी की वजह से सफ़र किया है, कुछ लोगों को लगता है कि थर्ड पार्टी है, श्योर नहीं हो आप, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर एक रीडिंग की हुई है फ्रेंड्स कि थर्ड पार्टी है या नहीं आपके कनेक्शन में, ओके, और अगर है तो क्या है, तो आप जाके देख सकते हो, आई एम गोइंग टू ट्राई टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था अभी, मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी एंड यू गाइस कैन टेक अ लुक एट इट, ठीक है, ओके
ओके सो बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार के बाद आपकी मुलाकात हो रही है, बहुत ऑन ऑफ आपका कनेक्शन रहा है, ये पर्सन सीक्रेटिव से हैं थोड़े से और मन की बात इनएक्सप्रेसिव हैं, मन की बात खोलते नहीं है, बोलते नहीं है, चेहरे पे कई बार तो एक्सप्रेशन भी नहीं आने देते, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इतने इंतज़ार के बाद आपको रीयूनियन होगा इस मुलाकात के थ्रू, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा इंतज़ार और उसके बाद आपकी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है तो न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। प्रॉस्पेरिटी स्पिरिचुअल एंड मटेरियल का मतलब है कि अबंडेंस आएगी, आपके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अभी मैं कमिटमेंट का कुछ कह नहीं सकती हूँ लेकिन मेरे को सुनाई दे रहा है कमिटमेंट, लेकिन आई के नॉट से बिकॉज ठीक है, शैडो कार्ड भी यहाँ पे आया है तो इस वेटिंग कार्ड भी है, इस वजह से थोड़ा वेटिंग इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, तो कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है आपके पर्सन से विद इन 9 months फ्रॉम नाउ, ठीक है, कुछ लोगों को विद इन 6 months फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों को विद इन 9 months फ्रॉम नाउ कुछ आपको कमिटमेंट मिल रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों की तो विद इन 18 months शादी ही हो रही है, ठीक है, तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी रहेगी मुलाकात आपकी और कुछ फाउंटेन वगैरह हो सकते हैं, कुछ वाटर बॉडी वहाँ पे हो सकती है जहाँ पे आप मिल रहे, ग्रीनरी हो सकती है, ठीक है, और आप लोग हो सकते हैं बोटिंग पे जाएं कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कैफ़े वगैरह में वाइनिंग एंड डाइनिंग करें, ठीक है, या कॉफ़ी वगैरह पे मिल रहे हो आप लोग, ठीक है, और कुछ लोग कहीं हैंग आउट कर रहे हैं, यू नो, जैसे कोई अम्यूज़मेंट पार्क हो गया, सॉरी थ्रोट चक्रा मेरे वो लग रहा है इसका मतलब, और हार्ट चक्रा में दैट मीन्स कुछ इशू चल रहा है आपकी कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ पता नहीं मुझे म्यूजियम या हिस्टोरिक कोई प्लेस सुनाई दे रही है, या तो हिस्ट्री है आपके कनेक्शन की कुछ, या आप में से किसी को हिस्ट्री का बहुत हिस्टोरिकल चीज़ों का आर्किटेक्चर बहुत पसंद है, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे बहुत आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो ऐसे की जगह पे आप हो सकते हैं आप लोग मिलो, ठीक है, तो सेल्फीज क्लिक करते हुए दिख रहे हो खुश हो जाओ, ठीक है, सेल्फी क्लिक करते हुए दिख रहे हो, आप पोस्ट भी करोगे और लाइक्स वगैरह भी आते हुए काफ़ी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, और आपकी पर्सन ट्रेजर करके रखेंगे उस फोटो को, मैं आपको बता दूं, ठीक है, और बहुत खुश होगे मिलके एक दूसरे से, आंखों में आंसू आते भी दिख रहे हैं खुशी के, और कुछ मिलते हुए आप थोड़े गमगीन भी दिख रहे हो मुझे, कि यू नो जैसे थोड़ा दुख होता है ना, ओ माय गॉड, अगर आपके पर्सन दूर बहुत टाइम बाद उनसे मिल रहे हो या कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपसे मिलने आ रहे हैं, तो मुझे वो सॉन्ग आ रहा है गेटिंग वेरी इमोशनल, ओके, यू नो द सॉन्ग है घर आया मेरा परदेसी, वेरी ओल्ड सॉन्ग, घर आया मेरा परदेसी प्यास बुझी इन अखियन की, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत पुराना बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनिएगा, कोई मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप देखते हैं अपने पर्सन को, आपकी आंखों में आंसू आ जाने और आप हग करोगे रोगे, सॉरी वेरी सॉरी, ओके सो ओके आपके पर्सन आप लोग जोक्स ट्रैक करने वाले हो एंड यू गोना हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर मेकिंग न्यू मेमोरीज, ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस द मैसेज आई एम गेटिंग इज की अच्छी मुलाकात रहेगी, बस अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना, ओके इंट्यूशन की आवाज़ सुन के बिहेव करना है, एक्ट करना, सो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सुन अनदर वीडियो, टिल देन टेक गुड केयर, सी यू नारा, बाय।